हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मज़ेदार से होममेड चाट मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पुदीने के पत्ते ले रही हूँ हाफ कप के बराबर, और इनको मैं करूँगी अच्छे से ड्राई रोस्ट, जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाएं। तो यहाँ पर ये पत्ते हो चुके हैं ड्राई, और अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ, और हाथ की मदद से मैं इनको चूरा कर लूंगी। तो चलिए मेरे साथ नोट करती हैं कि अब हम कौन से मसालों को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जीरा लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर, और काला जीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। उसके बाद साबुत धनिया लेंगे हम 1 टेबल स्पून, और अजवाइन लेंगे हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून के बराबर। और इन सब मसालों को हम बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। जब तक कि इन मसालों में से खुशबू ना आ जाए और इनका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए, इनको हमने तब तक ड्राई रोस्ट करना, जिसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। यहाँ पर इनका कलर चेंज हो चुका है, और अब मैं इनको भी डिश आउट कर रही हूँ, और इनको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने 1 टेबल स्पून अनारदाना लेना है, और इसको भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च, जायफल जाएंगे 2 टुकड़े इसके अंदर, और अब हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इनको हम डिश आउट कर लेंगे, और इन तक तमाम मसालों को हमने अच्छे से खुश करना है। सौंठ डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले का पाउडर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टाटरी 1 टीस्पून के बराबर, काला नमक जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून, नमक जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून, और पिसी लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून के बराबर। आप चाहें तो इस क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से मसाले को अच्छे से पीस रहे हैं, ताकि ये तमाम मसाले एक जान हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा चाट मसाला हो चुका है रेडी, और हम इसको तकरीबन 2 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।